Hey guys, how are you? And welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. और आज मैं आ गई हूँ यहाँ हावड़ा में फाउंडेशन मॉन्टेसरी हाउस स्कूल. तो सबसे पहले कराती हूँ आपको एक स्कूल का टूर और उसके बाद अपना एक फाइनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगी. सो लेट्स गो. तो ये है सबसे पहली वाली एक्टिविटी. एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बच्चे आपको दिख रहे हैं वो हैं 1.6 इयर्स टू 2 इयर्स, यानी कि अप्रोक्स डेढ़ से दो साल तक के बच्चे हैं. एंड दे आर चूजिंग ग्रीटिंग्स एंड मैम इज़ आस्किंग फॉर चूजिंग द ग्रीटिंग्स एंड हाउ वाइजली दे आर चूजिंग. तो बहुत ही अच्छी तरीके से उनको प्रिपेयर किया है एंड क्लास केजी के लिए उनको प्रिपेयर किया जा रहा है. एंड ये है सेकेंड एक्टिविटी जहाँ बच्चों को बहुत ही एक्सप्रेशंस एंड प्यार के साथ पोएम सिखाई जाती है. इस एक्टिविटी में 2 इयर्स टू 3.6 इयर्स, यानी कि 2 साल से अप्रोक्स 3.5 साल तक के बच्चे हैं. एंड ये है थर्ड एक्टिविटी जहाँ पर बच्चों को गेमिंग एंड एक्शन के थ्रू मीनिंग समझाई जा रही है ताकि बच्चे इंटरेस्टिंगली इसमें पार्ट ले सके एंड इंजॉयफुली पढ़ सके. द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द पेरेंट्स, जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए कोचिंग की नीड है, तो मैं आपको बता दूं कि इस स्कूल की डायरेक्टर मिसेज रिद्धिमा मल्होत्रा पर्सनली कोचिंग लेती हैं एंड उनके जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो लोकेटेड हैं बालीगंज एंड हावड़ा में. तो इसकी सारी ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं. और ये है गेमिंग जोन एरिया जहां बच्चों की काफ़ी एक्टिविटीज़ रहती हैं लाइक साइकिल्स एंड सीसो, जहाँ उनका थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है. बच्चे क्या हैं जो पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर भी हो जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा अगर उनको गेम जोन में लाया जाता है, खेलते कूदते हैं, तो उनका माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है. हम बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है दैट चिल्ड्रेन ईजली गेट एडमिशन इन टू स्कूल लाइक लामार्ट, लक्ष्मीपत सिंघानिया, मॉडर्न हाई, बिरला हाई स्कूल, श्री श्री अकेडमी, हेरिटेज, डॉन बॉस्को एंड ऑफकोर्स इन जेवियर्स. और ये है बच्चों को पसंद आने वाली एक्टिविटी में से एक एक्टिविटी, डांस एक्टिविटी. एंड इस एक्टिविटी में बच्चों को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट सिखाया जा रहा है. यस, वेरी गुड. एंड अब मैं यहाँ पर आ गई थी आउटडोर गेम एक्टिविटीज़ एरिया में. तो उनमें से एक एक्टिविटी ये भी है, सैंड मेकिंग गेम.
तो ये भी है। एंड फिर बॉटनी भी है यहाँ पर, जहाँ बच्चों को बॉटनी के साथ साथ जस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी वो सब भी सिखाया जाता है, जो कि हम यूजुअली सिखाते हैं बच्चों को घर पर। These are parts of a plant. Just as we saw parts of our body, these are parts of a plant. Thank you. एंड ये जो आप देख रहे हैं, तो जहाँ भी बच्चों को लेकर जाना है तो बिल्कुल एक डिसिप्लिन वे में एक क्यू बनाकर ही हमेशा लेकर जाया जाता है। तो फ़िलहाल इस वक्त तो अभी टाइम नहीं है कि पूल भरा हुआ रहे, तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक ये पूल पूरा फुल रहता है, तो बच्चे स्विमिंग कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ के साथ साथ स्विमिंग भी है यहाँ पर। तो जैसे कि वहाँ अभी मैंने आपको शो किया कि हाँ यहाँ पर पूल है, और वहाँ से फिर अंदर ले जाया जा रहा है, तो वो भी एक डिसिप्लिन वे में ही ले जाया जा रहा है। अब जब बच्चों की छुट्टी हुई है तो एस्कॉर्ट कार्ड से नाम सबका बुलाते हैं एंड गार्जियन के हाथ में ही हैंडओवर करते हैं बच्चों को। तो ये एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक पेरेंट के लिए कि बच्चों को सही हाथ में ही हैंडओवर किया जाए। तो सबको बारी बारी नाम बुला के गार्जियंस को ही सौंपा जाता है। एंड यहाँ की कुछ मैंने क्लिप्स ली हैं क्योंकि मुझे खुद को देखने में इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, बहुत ही कलरफुल। एंड इन ईच एंड एवरी क्लास बिल्कुल कलरफुल पूरा डेकोरेट किया हुआ है, जो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। और यहाँ बच्चे काउंटिंग सीख रहे हैं, जैसे कि नंबर्स लगे हुए हैं एंड नंबर्स के अकॉर्डिंग वो टॉयज़ जो हैं उनको लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा तरीका है एक काउंटिंग सीखने का छोटे बच्चों के लिए। जिस कोचिंग सेंटर के बारे में मैंने आपको बताया, तो वहाँ मैं आपको बता दूं कि 2.7 इयर्स टू 6 इयर्स तक के बच्चों को, यानी कि 2 साल 7 महीने से 6 साल तक के बच्चों को ट्यूशन दी जाती है। एंड नाउ यू कैन सी द हैंड राइटिंग। बच्चे काफ़ी छोटे हैं बट हैंड राइटिंग काफ़ी इम्प्रूव है। एंड 4 ईयर्स चिल्ड्रेन विल गो टू KG इन अप्रैल 2023। एंड कोचिंग क्लासेस के लिए इवनिंग कोचिंग क्लासेस ओपन फॉर चिल्ड्रेन ऑफ ऑल अदर स्कूल्स स्पेशलाइजिंग इन फोनिक्स, रीडिंग एंड मैथ्स। सो गाइस, स्कूल तो मैंने पूरा टूर किया है एंड एक एक एक्टिविटीज़ मैंने देखी है बच्चों की, जो कि मैं पहले सबसे पहले आपको शेयर नहीं कर सकती जब तक कि मैं सेटिस्फाइड ना हो जाऊं कि बच्चों के लिए कितना सही है ये। तो जहां तक मैंने देखा है तो इसको बोल सकते हैं कि सेकेंड हाउस फॉर चिल्ड्रेंस।
तो बहुत अच्छी केयर है यहाँ पे बच्चों की एंड काफी अच्छे से उनको मैथ्स एंड ऑल जैसा कि मैंने आपको दिखाया बुक्स में पूरा केजी में जाने के लिए पूरा रेडी करके रखा हुआ है बच्चों को। उनको जैसे कहीं भी आप एडमिशन दिलवाते हैं तो पढ़ाई के बेस पे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इतने अच्छे से प्रिपेयर किया है बच्चों को। तो मैम प्लीज मीट मिसेस कवलजी गिरवाल, प्रिंसिपल एंड फाउंडर ऑफ दिस स्कूल एंड She is a director of this school, Mrs. Ridhima Malhotra. तो मैम ये इस स्कूल को कितने साल हो गए हैं? We started in September 2002. Okay. So 20 साल हो गए. 20 साल हो गए. बीस साल हो गए हैं स्कूल को एंड मेंटेन इतने अच्छे से किया है कि देखने से पता नहीं चल रहा है, जैसे कि 20 साल पुराना स्कूल जो होता है काफी मतलब दीवारें खराब हो जाती हैं, देखने में भी काफी जैसे मेंटेन नहीं लगता है, तो बहुत सुंदर से मेंटेन करके रखा हुआ है स्कूल को। एंड मैम यहाँ पर जो पढ़ाई जो बच्चों को आप कराते हैं तो वो क्या प्रिपरेशन करवा रहे हैं? हमारे पास बच्चे जैसे ही चलना शुरू करते हैं 1.2 1.4 वी आर रेडी टू वेलकम देम बिकॉज़ वी आल्सो हैव अ टॉडलर प्रोग्राम फॉर देम व्हिच इज स्पेशलाइज्ड ओनली फॉर द टॉडलर्स। सो 1.2 से चिल्ड्रन कम and they stay with us till KG. Okay. And we are preparing them at every level. Some children say they go into some schools which take at 2.5. Some children go in where children are going at 3+. Some go at 4+. Okay. So whichever level, where whichever school they want to get into, we are preparing them not only to just pass the interview. एक होता है कि भाई हमसे प्रिपेयर कर रहे बच्चे को इंटरव्यू पास कराने के लिए, आई एम प्रिपेयरिंग देम जिसको बोलते हैं लंबी दौड़ के कि हम उनको जो नाम हमारा है फाउंडेशंस, हम उनको एक इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना के देना चाहते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो एंड द लव फॉर स्टडीज हो। यहाँ कुछ भी प्रेशर नहीं है, सब इज लर्निंग बाय डूइंग, एवरीथिंग इज हैंड्स ऑन लाइक अ प्रॉपर मॉन्टेसरी। तो कभी कभी लोग बोलते हैं आप इतने सब्जेक्ट्स कैसे कराते हो, बॉटनी भी करा रहे हो, जूलॉजी भी करा रहे हो, ज्योग्राफी करा रहे हो, जैसे आपने सब देखा एंड यहाँ पे बॉटनी एंड जूलॉजी सेंट गेम्स एवरीथिंग मतलब बहुत सब कुछ इंक्लूडेड है जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। एंड पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए कि बच्चों की एक अच्छी केयर हो? अपने घर पे तो बच्चों की केयर करते ही हैं बट स्कूल में कैसी केयर बच्चों की जा रही है? एंड कभी कभी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं तो फैकल्टीज भी हैं यहाँ पर एज अ गार्जियन केयर करती है जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। तो बहुत अच्छे से बच्चों का यहाँ पर केयर किया जा रहा है एंड बच्चों को जैसे कि काफी एक्टिविटीज हैं एंड लैंड आइलैंड सब कुछ, जैसे इतने छोटे बच्चों को मैंने तो अभी तक नहीं देखा है कि इतना ज्यादा वो लोग जानते हैं, इतना नॉलेज है उनको। तो यहाँ पे काफी अच्छी नॉलेज बच्चों को दी जा रही है और जो फैकल्टीज हैं टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं नेचर में, बच्चों के साथ जो बॉन्डिंग उनकी है वो मैंने देखा है तो काफी अच्छी है। और हमारे सारी टीचर्स आर प्रॉपर मॉन्टेसोरी ट्रेन्ड, मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, उसके नीचे हम टीचर्स लेते ही नहीं है। सो दैट थिंग इज देयर एंड आई गो फॉर वेरी सॉफ्ट टीचर्स दैट यू विल सी इन माय स्कूल एंड ऑल माय स्टाफ नॉट ओनली द टीचिंग स्टाफ। हम सब का एक रूल है जो हमारा मंत्र है जो हमें मिसेस ग्रेवाल ने शुरू से सिखाया, जिस तरह मुझे भी उनके साथ हो गए यहाँ, कि ये मंदिर है, हम इसी पे काम करते हैं, ये हमारा मंदिर है और जो बच्चे हैं वो सब गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं हमारे, और हम सब वो दरवानजी हो, दीदी हो, टीचर हो, मैं हूँ, मम्मी हो, वी आर द सेविका, सेवक से सेविका, हम इसी पे काम करते हैं। तो मैंने यही देखा आपके स्कूल में, मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों का इतना अच्छा मतलब। और जब बच्चों की जब छुट्टी होती है यहाँ पे जब, तो पूरा रो बना के एंड एक एक गार्जियंस को कॉल करके एक सिक्योरिटी पर्पस जो होता है वो यहाँ पर बहुत अच्छा देखा मैंने। अभी 2 या 3 बच्चों के मैंने देखे गार्जियन भी आए हुए नहीं थे तो उन बच्चों को वापस ले जाके स्कूल में बैठा दिया गया है। तो इस तरीके से बच्चों को छोड़ा भी नहीं जाता, तो सिक्योरिटी पर्पस हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एंड अकॉर्डिंग टू एरिया हावड़ा आप लोगों को सभी को पता है जो कोलकाता में रहते हैं, बहुत ही रनिंग एरिया में है ये स्कूल, ऐसा कोई जैसे सुनसान जगह में बिल्कुल वैसा एरिया वैसा नहीं है, बहुत ही सिक्योरिटी पर्पस के लिए मुझे बेस्ट लगा है ये। इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पर इन्वाइटेड हूँ आज, इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ स्कूल के लिए, बट ट्रस्ट मी गाइस मैंने पूरा टूर किया है स्कूल का, एक एक चीज मुझे रिद्धिमा जी ने मुझे दिखाई है, एक्टिविटीज देखी है मैंने, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। और एक पेरेंट्स को इससे ज्यादा किसी चीज की उम्मीद नहीं होती है स्कूल से, बच्चों को इतनी अच्छी से आप मतलब
स्टडी करवा रहे हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो वो सब कुछ यहाँ मुझे देखने को मिला है। तो मैम सबसे पहले मैं ये पूछूंगी कि सेंट एग्नेसिस कॉन्वेंट में आप 20 साल इंग्लिश टीचर थे, तो कैसे आपने सोचा कि ये मॉन्टेसोरी स्कूल खोला जाए? ये बहुत ही मेरे मन को छूने वाला क्वेश्चन है। तो मैं पहले सेंट एग्नेसिस की स्टूडेंट हूँ, मैंने 20 साल इंग्लिश की टीचर के तौर काम किया, एंड वहाँ मैंने देखा एक दिन किताबें पढ़ी, उसमें मैंने देखा मॉन्टेसोरी जी। तो ये मैंने देखा कलकत्ता में एक स्कूल था उस समय, और हावड़ा में एक भी मॉन्टेसोरी लगा था जी। तो वो मेथड मेरे को इतना, क्योंकि मैं इंग्लिश की टीचर थी, मुझे पता था बच्चों की कहाँ पे कमियाँ हैं और वो कमियों को दूर करने के लिए मॉन्टेसोरी 3 इयर्स से वो चीज़ें छूता है। मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगा। तो मेरे मन में था कि ये मॉन्टेसोरी स्कूल एक हावड़ा के बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन हावड़ा, तो यहाँ बहुत स्पेशल मेरा एसोसिएशन है हावड़ा के साथ। तो मैंने सोचा यहाँ के बच्चों के लिए, जो बच्चे उस समय इतने भी सेकेंड ग्रेड भी नहीं करना था, तो कोई यहाँ से मॉन्टेसोरी एक आध कोई फैकल्टा में था, जा नहीं सकते थे ठीक है, हावड़ा में तो बस वेरी यूनिवर्सिटी। तो ये मेरी इच्छा थी यहाँ, और ये जो जगह है मेरी मैरिज एनिवर्सरी में मेरे हस्बैंड ने मेरे को गिफ्ट किया। ओह ग्रेट, 25th एनिवर्सरी। बट एंड देन एट द एज ऑफ 49 मैंने मॉन्टेसोरी कोर्स किया। पहले तो मैं इंग्लिश की टीचर एम ए बी ए, फिर मैंने ये खोलने के लिए खुद ये कोर्स किया एट द एज ऑफ 49 एंड देन आई स्टार्टेड। ग्रेट मैम, और 2008 में बेस्ट गुरुकुल अवार्ड भी मिल चुका है मॉन्टेसोरी को, एंड आप देख सकते हैं सामने इतने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो ऐसे ही अवार्ड्स नहीं मिल जाते हैं स्कूल को, जब उनमें कोई ऐसी बात होती है, इतने अच्छे से वो लोग बच्चों का केयर करते हैं, एंड यहाँ से पूरे पास आउट होकर और जाके सीधे केजी में उनका किसी भी प्रॉब्लम के बिना एडमिशन हो पाता है, इतनी अच्छी तरीके से उनको प्रिपेयर करते हैं स्टडी में। तो आप देख सकते हैं इतने सारे अवार्ड ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं। तो जहाँ तक मैंने देखा है पूरा टूर करके स्कूल का, सो मुझे तो बिल्कुल बेस्ट लगा है, तो यही मेरा फाइनल ओपिनियन है। और अगर आप में से कोई भी एडमिशन के लिए या और भी किसी चीज की इंक्वायरी के लिए अगर आपकी कोई इच्छा हो, तो मैं सारी ही डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आपको मैं फोन नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो वहां से ही कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ के बारे में, क्या एडमिशन के चार्जेस है एंड क्या है। मॉन्टेसरी स्कूल एक ऐसा स्कूल होता है जिसमें कोई सीजन नहीं होता एडमिशन का, कि अप्रैल से ही स्टार्ट होगा या जैन से ही, तो ये तो पूरे 12 महीने ही चलता है एडमिशन, तो आप कभी भी आके एडमिशन करवा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आ गए हूँ इस वीडियो के एंड पर, एंड मिलूंगी आपसे अपने रेगुलर ब्लॉग में। सो टिल देन टेक रियली रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।